राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुड़ानिया का रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक आशीष जेडी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। युवक साइकिल पर सवार होकर आज अपनी इस यात्रा के तहत शिवपुरी पहुंचा। पर्यावरण मित्र जेडी ने बताया कि वह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला है। यह साइकिल यात्रा उसने अरब सागर के किनारे स्थित द्वारकाधीश से 16 अक्टूबर को प्रारंभ की थी और इस यात्रा का समापन 26 जनवरी को सिंगापुर में पहुंच कर किया जाएगा। जेडी चौधरी ने बताया कि यह साइकिल यात्रा साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ एवं प्लास्टिक फ्री इंडिया के तहत निकाली जा रही है। इसके अतिरिक्त देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए भी निकाली जा रही है। जेडी ने बताया कि इस साइकिल यात्रा की शुरुआत उन्होंने द्वारकाधीश से की थी। इसके बाद वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर राज्यों का साइकिल से भ्रमण करते हुए साइकिल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार में प्रवेश करेंगे। म्यांमार के बाद वह थाईलैंड, मलेशिया होते हुए सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां इस यात्रा का समापन किया जाएगा। शिवपुरी पहुंचे जेडी चौधरी ने बताया कि वह 2 साइकिल यात्रा पहले भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर कर चुके हैं। जेडी ने अपनी पहली यात्रा दिल्ली से जैसलमेर के बीच वर्ष 2020-2021 की थी। उनकी यह साइकिल यात्रा 2 किलोमीटर की थी, जिसको उन्होंने 18 दिनों के भीतर पूरा कर लिया था। दूसरी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच वर्ष 2021 से 2022 में की थी, जिसमें उन्होंने 4000 किलोमीटर की दूरी 36 दिन में पूरी कर ली थी। और अब वह इंडिया से सिंगापुर के बीच 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। यात्रा 3 महीने के भीतर पूरी कर लेंगे। जेडी ने बताया कि अपनी साइकिल यात्रा के दौरान वह कई स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, जहां पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए अपील करते हैं। इसके अतिरिक्त साइकिल चलाकर अपने छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए आह्वान करते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा कम किया जा सके। सर, मैंने अभी तक 3 यात्राएं की हैं, एक तो दिल्ली से जैसलमेर, एक कश्मीर से कन्याकुमारी और तीसरी यात्रा है इंडिया टू सिंगापुर, यानी 5 देशों की साइकिल यात्रा है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इस यात्रा के पीछे जो मेरा मकसद है वो है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक फ्री इंडिया करो, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन कर दो या उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दो, और साथ में पर्यावरण में जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाओ ताकि इसको प्रदूषण से बचाया जा सके। सर, मैं एक ऐसे गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो गया जमीनी स्तर पर, तो हम पूरे साल बारिश का पानी जो होता है उसको इकट्ठा करके उस पानी को पीते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति देश के किसी और हिस्सों में ना आए, इसलिए हम अगर अभी संभल जाएंगे तो आने वाले वक्त में ये जो हमारे गांव में जो परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, राजस्थान में जो परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, वो कहीं और ना करनी पड़े और हम इस पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। पेड़ पौधे लगाएंगे तो बारिश होगी, उस पानी से जमीनी का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, इसलिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। बचपन से मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सर, इस यात्रा के दौरान मैं जब हाईवे पर चलता हूँ तो मैंने पीछे बोर्ड लगा रखा है इंडिया टू सिंगापुर, रोक गाड़ी रोकते हैं, मुझसे पूछते हैं इस बारे में कि आप किस तरीके से यात्रा कर रहे हो, क्यों यात्रा कर रहे हो, तो मैं उन सभी को बताता हूँ कि मेरी यात्रा का मकसद ये है और इसलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ ताकि देश के अंदर एक मुहिम चल सके, लोग अलग अलग जगह से निकल सकें और बता सकें कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके साथ ही जब मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, मुझे कहीं मौका मिलता है, लोग मुझे लेकर जाते हैं, तो मैं बच्चों को भी इस बारे में बताता हूँ कि हमें पेड़ लगाना जरूरी है, ताकि बच्चे अगर बचपन से उनको बता दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से वो इसमें कर पाएंगे। बेसिकली आप करते क्या है? सर, मैंने अभी मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, DU से। उसके बाद मैंने जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में, वहाँ से मैं अभी अपना जो बीएड की है, ताकि मैं एक टीचर बनकर और अधिक बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर पाऊँ और बता पाऊँ कि हमारे लिए पर्यावरण जरूरी है और हमें इसको बचाना होगा। धन्यवाद। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।